हेलो दोस्तों, अमीगो प्लेआउट सॉफ्टवेयर कंपनी एक नया सॉफ्टवेयर लेकर आई है जिससे आप एक पीसी से 8 चैनल चला सकते हैं। इसका नाम है अमीगो प्लेआउट। आज मैं उसी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप उसको कॉन्फ़िगर करेंगे और किस तरीके से चलाएंगे। इंस्टॉलेशन के बाद देखेंगे आप डेस्कटॉप पे आ जाएगा अमीगो प्लेआउट करके आइकन, इस पर डबल क्लिक करके आप इसको ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। इसमें ऊपर सभी चैनल के प्रीव्यू नज़र आ रहे हैं विद ग्राफिक्स, आपको टोटल प्रीव्यू नज़र आएगा। नीचे चैनल कंट्रोलिंग है, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, 5, 6, 7, 8। और इसके अंदर डेकलिंग कार्ड आउटपुट नहीं है, इसमें NDI आउटपुट और IP आउट मिलेगा, तो वो आपको यहाँ स्ट्रीमिंग में दिया हुआ है सेटिंग। हर चैनल की सेटिंग्स आपको उसके टैब को सेलेक्ट करके ही करनी पड़ेगी। इसमें आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन और दिया है, अगर आप चाहते हो कि ये प्रीव्यू छोटा है, अगर आप बड़ा प्रीव्यू देखना चाहते हो तो यहाँ से मल्टी प्रीव्यू ऑफ करके, ये हर चैनल का यहाँ सेपरेट प्रीव्यू बटन दिया हुआ है, इससे के करके आप प्रीव्यू ओपन कर सकते हो। तो इस प्रीव्यू में तीन तरह के मोड दिए हुए हैं, LMS, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। मीडियम आपने करना है, लार्ज करना है, आप ये बटन को प्रेस करके जो हमारा चैनल चल रहा है विद ग्राफिक्स फुल प्रीव्यू आप यहाँ देख सकते हो। क्लोज करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। प्लेलिस्ट में यहाँ ये डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज दी हुई हैं, फाइल टाइप के आप अपने जो भी कंटेंट ऐड करा रहे हैं उसको उस फाइल टाइप के हिसाब से यहाँ अरेंज करा सकते हो। अगर आपकी जो फाइल ऐड करा रहे हैं वो न्यूज़ है तो आप न्यूज़ सेलेक्ट करोगे, मूवी है तो मूवी सेलेक्ट करोगे, अगर उसको एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट। यहाँ से आप जो भी कंटेंट ऐड कराना है वो सेलेक्ट करा के, सबसे पहला बटन दिया हुआ है ऐड वीडियो, जिस भी बटन पर आप क्लिक करोगे उसके नीचे मेंशन हो जाएगा ये बटन किस लिए दिया हुआ है। ये लिस्ट लोड करने का बटन है, ये ब्रेक ऐड करने का बटन है, अगर आपको इस लिस्ट में ब्रेक ऐड करने हैं, URL ऐड करने के लिए, लाइव ऐड करने के लिए, प्लेलिस्ट को लोड करने के लिए, लिस्ट को सेव करने का बटन है, और ये कोई भी चेंजेस लिस्ट में आप कर रहे हो तो उसको अपडेट करने का है। ये प्ले करने का है, पॉज करने का है, स्टॉप करने का है, ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट बटन है। यहाँ पे लिस्ट का नाम दिखा रहा है और ड्यूरेशन दिखा रहा है और नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है लिस्ट में वो दिखा रहा है। कोई भी फाइल ऐड करने के लिए जस्ट सिंपल आपने यहाँ से टाइप सेलेक्ट किया और बटन पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका पाथ है वहाँ से आप वो फाइल ब्राउज करा के यहाँ पर लोड करा लेंगे। जो फाइल चल रही है उसको नाव में दिखा रहा है, जो नेक्स्ट इसके बाद चलेगी वो नेक्स्ट में आ जाएगी। जिस किसी भी फाइल को अगर आपने चलाना है इंस्टेंटली तो उसके टैब पे आके डबल क्लिक करोगे वो फाइल रन हो जाएगी। इसी तरीके से कोई भी फाइल आप यहाँ पे सेलेक्ट करा के और ऐड करा सकते हैं। अगर आपको किसी फाइल को शेड्यूल करना है, यानी अगर उसको उसके हिसाब से टाइम के हिसाब से चलाना है, तो उस फाइल पे को सेलेक्ट करके यहाँ पर दिया हुआ है ये टाइम शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये शेड्यूल टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको टाइम सेट करोगे, सेव कर दोगे तो यहाँ देखोगे कि ये अब शेड्यूल हो गया है, तो ये टाइम पे ये फाइल फायर हो जाएगी, लेकिन इस लिस्ट से डिलीट नहीं होगी। आपको डिलीट करने के लिए मैनुअली इस फाइल को डिलीट करना पड़ेगा। शेड्यूल को हटाने के लिए वापस से आप इसको सेलेक्ट करके शेड्यूल टैब पर जाओगे और यहाँ से क्रॉस बटन का इस्तेमाल करोगे तो ये शेड्यूल टैग हट जाएगा। कोई भी एक्टिविटी करने के बाद आपको सेव करना मस्ट है या अपडेट कर दो लिस्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक बटन दिया हुआ है ये ग्राफिक्स का, तो यहाँ पर हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और कोई भी एक कंपोजिशन इसके साथ लिंक करा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये फाइल चलेगी तब तक ये ग्राफिक्स रन होगा, ये फाइल ख़त्म हो जाएगी तो ये ग्राफिक्स ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो फाइल के साथ आप हर क्लिप के साथ अलग अलग ग्राफिक्स यहाँ पर रिलेट करा सकते हैं इस तरीके से, तो ये फाइल बेस्ड ग्राफिक्स कहलाता है। किसी भी आइटम को कॉपी करने के लिए यहाँ से आपको बटन है कॉपी सेलेक्ट, पेस्ट करने के लिए पेस्ट दिया हुआ है, डिलीट करने के लिए यहाँ से ये फाइल दी हुई है उस पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करने के लिए, एक साथ सभी फाइलें डिलीट करने के लिए डिलीट ऑल बटन दिया हुआ है। और आपने यहाँ से अगर ये जैसे ये मेरी फाइल है इसको मुझे रिनेम करना है, तो रिनेम करने के लिए यहाँ पे आपके मेटा डेटा का ऑप्शन दिया हुआ है, जिस भी फाइल को करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, अब ये मेटा डेटा का कमेंट का है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ उसे अपने हिसाब से आप टाइटल दे सकते हो जो भी आपने देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ इसका। तो ये टाइटल जो होगा आपका, ये टाइटल सिर्फ आपका इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे सेट करोगे, तो जो आपकी ये प्लेइंग इन्फो आएगी नाउ नेक्स्ट वाली
उस पर ये टाइटल आपका शो होगा, यहाँ पर ये दिखेगा, लेकिन जो उस पर शो होगा वो ये दिखेगा। तो आप सिंपल से सेव कर दोगे, दोबारा चेक करना चाहोगे तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ देखोगे तो ये दिखाएगा। अब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नाउ नेक्स्ट की फायर होगी तो उसमें यही दिखाएगा। अब जैसे मैं ये प्ले कर देता हूँ तो यहाँ आप देखोगे आप जो नाउ की इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें जो हमने ये जो हमने वहाँ रिनेम किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है राइट। तो इसलिए इस तरीके से आप अपना पूरा कंटेंट जो है रिनेम कर सकते हो और ये हमेशा के लिए सेव हो जाएगा जब आप इसको लिस्ट में सेव कर दोगे। तो कमर्शियल चलाने के लिए यहाँ पर एड्स दिया हुआ है, एड्स के लिए आपको सबसे पहले अपनी एड की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के लिए नॉर्मल यहाँ से अपने ब्रेक जो भी हैं आपने कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है वो वन बाय वन करके ऐड कराने हैं। इस तरह से कमर्शियल मैंने ऐड करा लिए हैं। अब इन कमर्शियल को मैं सेव कर देता हूँ तो मैं इसका नाम देता हूँ ब्रेक वन। ब्रेक लिस्ट वन मैंने इसको नाम दिया। इसी तरीके से आप मल्टीपल लिस्ट बना सकते हो और उसको शेड्यूल करने के लिए यहाँ जस्ट ये बटन दिया हुआ है। आप यहाँ से न्यू करोगे, सबसे पहले नाइम टाइप करोगे, और यहाँ से न्यू करोगे क्या टाइम पे आपको इसको सेट करना है वो टाइम यहाँ से आप इसका सेट करके यहाँ से इसको सेव कर दोगे। अब इसके अंदर आपने जो लिस्ट बना यहाँ पे लिस्ट बनाई है आप ब्राउज लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाएगा ब्रेक लिस्ट 01। इसको ब्राउज करा के आप यहाँ से इसको ऑन कर दोगे तो ये इस तरह का आपका कमर्शियल का जो है शेड्यूल सेट हो गया। ये एवरी डे आपका ये टाइम पर फायर होगा और जो इसके अंदर आपने लिस्ट डाली है जो कि यहाँ बनाई थी आपने वो कमर्शियल ये टाइम पर एवरी डे चलने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ग्राफिक्स, ये ओवरले ग्राफिक्स है। यहाँ पे आप जो भी कंपोजिशन ऐड कराओगे वो परमानेंट डिस्प्ले रहेगी, जब तक कि आप उसको मैन्युअली ऑफ नहीं करोगे तब तक वो ऑफ नहीं होगी। इसी तरीके से लूप ग्राफिक्स है, लूप ग्राफिक्स में यहाँ तीन ग्राफिक्स पड़े हुए हैं तो वो अपना वन बाय वन अपनी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग लूप होते रहेंगे। एल बैंड में आपने वीडियो फाइल डालनी है, वीडियो फाइल आप ऐड कराओगे कितनी देर का आपने रखना है ऐड, आप यहाँ पे क्लिक करके वो ड्यूरेशन सेट कर दोगे और इसको सेव कर दोगे। एल बैंड चलाना किस पोजीशन है वो सेटिंग हमने आपको यहाँ पर दी हुई है, कितनी उसकी विड्थ स्क्वीज करनी है, कितनी हाइट स्क्वीज करनी है, कितने इंटरवल से आपको एल बैंड दिखाने हैं और जो स्क्वीज की स्पीड है वो क्या रखनी है वो सब आप यहाँ पे सेट करोगे। चैनल लोगो ब्राउज कराने के लिए यहाँ दिया हुआ है। लूप ग्राफिक्स अगर आपने ऑन कराने हैं तो ये बटन दिया हुआ है। ग्राफिक्स स्टिल ग्राफिक्स आपको शो करना है ऑफ़ करना है वो यहाँ दिया हुआ है। एल बैंड ऑन ऑफ करने की सेटिंग आपको यहाँ दी हुई है। जो भी ग्राफिक्स चल रहे हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे कि ये ऑन है या ऑफ है। कोई भी सेटिंग जो भी आपने चेंजेस करने हैं सेटिंग्स में वो करने के बाद यहाँ से सेव बटन का इस्तेमाल करके आप इसको सेव कर सकते हो। अब आ जाता है आउटपुट की बात, तो आउटपुट इसमें आईपी आउट दिया हुआ है। आईपी आउट के लिए आप यहाँ स्ट्रीमिंग में जाओगे, स्ट्रीमिंग में इस तरीके से प्रीसेट क्रिएट हो जाएंगे। प्रीसेट में आपका यहाँ से आप चैनल डिफाइन कराओगे, कौन से चैनल के लिए आप प्रीसेट क्रिएट कर रहे हो वो चैनल यहाँ से 8 के 8 चैनल दिया हुआ है चैनल सेलेक्ट करा के। उसके बाद क्या फॉर्मेट रखना है, वीडियो कोडेक क्या इस्तेमाल करना है, ऑडियो कोडेक उसकी URL क्या है, ये वीडियो बिटरेट ऑडियो बिटरेट सेट करके सेव कर दोगे और उसके बाद ऑन ईयर कर दोगे, आपका चैनल ऑन ईयर हो जाएगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, कोई भी इजीली इस पे काम कर सकता है। इसमें यहाँ पर ये प्लगइन्स दिए हुए हैं, एक क्रोमा कास्टर और एक वेब रिसीवर, ये दोनों पेड प्लगइन है। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर में लाइव फीड पे काम करना है, लाइव के लिए काम करना है तो ये पेड प्लगइन है, इसका आप एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करके इसको इस सॉफ्टवेयर के साथ ऐड करा सकते हो। इसी तरीके से वेब रिसीवर है, वेब रिसीवर का एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करके आप वेब रिसीवर का प्लगइन भी परचेज करके आप इस सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर सकते हो। हर चैनल की अपनी सेटिंग है, जिस चैनल पे आपने काम करना है उस चैनल को ऊपर टैब से सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसके नीचे कंट्रोलिंग दी हुई है उसका सारा सेटिंग आप कर सकते हो यहाँ से नीचे से। बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये कस्टमाइज है। अगर आपकी ज़रूरत है एक चैनल तो आप इसमें एक चैनल एक्टिवेट करा लीजिए, अगर आपकी ज़रूरत दो चैनल की है तो दो, चार की है तो 4 एक्टिवेट करा लीजिए, 6 की है तो 6 एक्टिवेट करा लीजिए। मैक्सिमम आप 6-8 चैनल तक यहाँ पर
एक्टिवेट करा सकते हो। एक चैनल अगर आप एक्टिवेट कराते हो तो एक चैनल की कॉस्ट 25,000 रुपये रहती है, दो चैनल की कॉस्ट 50,000 हो जाती है, चार चैनल की कॉस्ट 1,00,000 रुपये हो जाती है और छः चैनल की कॉस्ट 1,50,000 रुपये, और अगर आप इसके 8 चैनल एक्टिवेट कराते हो तो 2,00,000 रुपये इसकी कॉस्ट बैठती है।